कुमाऊं के अंतिम रेलवे स्टेशन काठगोदाम रेलवे स्टेशन को कई सैलानी टूरिस्ट प्लेस मानते हैं। वो इसे कुमाऊं की अंतिम रेल लाइन भी कहते हैं। कुमाऊं के पहाड़ी क्षेत्रों का सफर काठगोदाम से ही शुरू होता है। आपको बता दें कि गर्मियों का सीजन पर्यटन के लिहाज से बेहद अहम माना जाता है और इस बार रिकॉर्ड सैलानी नैनीताल पहुँच रहे हैं। देखिए, हम तो फर्स्ट टाइम आए, विशेषता पता लगेगी यहाँ पर क्या है। फिर भी यहाँ का जो है शिमला मनाली के अकॉर्डिंगली थोड़ा यहाँ पे लोग भी अच्छे हैं, सब चीज़ बेस्ट है और रिजनेबल है। वहाँ ज़्यादा चीज़ महंगी है, ये फैमिली के बजट के अकॉर्डिंगली बहुत है। वो जाके पता चलेगा ना। अच्छा, वैसे नैनी झील और जू, स्पेशली तो जू के लिए आए हैं। हम जयपुर से आए हैं, अभी हम रानीखेत जा रहे हैं। वहाँ की ब्यूटी, वहाँ बहुत पीस है, हरियाली। हाँ, वहाँ पर जैसे कि काफी मंदिर है और एप्पल गार्डन, ये सब चीजें देखी है, अभी वहाँ जाके पता चलेगा। मैं नैनीताल घूमने वाला हूँ और मैं नैनीताल के बारे में सुना है, और मैं अभी इससे पहले मसूरी और ऋषिकेश गया था तो अच्छा लगा मेरे को। चंडीगढ़ नैनीताल जाने वाले, फर्स्ट टाइम जाएंगे यार, और बाकी पैंगोंग का सुना था, वहाँ जाएंगे। इन छुट्टियों में परिवार और दोस्तों के साथ भीषण गर्मी से निजात पाने के लिए लोग अल्मोड़ा और नैनीताल जिले की ओर जा रहे हैं। काठगोदाम पहुंचने के बाद कुमाऊं की खूबसूरती को लेकर उनका क्या कहना है, आप भी सुनिए। यहाँ की सुंदर वादियाँ, नैना मंदिर, नैनी झील, वाराणसी डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हैं, नैनीताल। नहीं, हम पहले 20-30 साल पहले भी आए थे। हम लोग वहाँ नैनीताल घूमे गए, वहाँ रानीखेत घूमे गए, और जो जगह वहाँ जो पता चलेगा वो और जगह भी देखेंगे। मेरा नाम दिव्या नागपाल, हम लोग दिल्ली से आए हैं, हम लोग नैनीताल जा रहे हैं बिकॉज मुझे बच्चे के साथ फर्स्ट टाइम ट्रेवल करना था और यहाँ ट्रेन आती है तो मुझे बहुत कन्वीनियंट था। मैं गाड़ी से ट्रेवल नहीं कर सकती थी छोटे बच्चे के साथ, 6 मंथ्स, और हम फर्स्ट टाइम बच्चे को लेके बाहर आए हैं। हम लोग मुक्तेश्वर जाना चाहते हैं, अगर पॉसिबल हो पाया बच्चे के साथ तो। हम मुक्तेश्वर में जो बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, हम वहाँ पे दर्शन करना चाहते हैं। सब आजकल के बच्चे हाईटेक हो गए हैं एक्चुअली, जो है सब यूट्यूब में ब्लॉग देख 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 के समझते हैं कि हाँ हमको यहाँ पर जाना, वहाँ पर जाना, तो बच्चों ने डिसाइड किया कि नहीं हमको यहाँ घूमना है। तो उसका झील, नैनीताल मनीताल का झील, और कसानी हनीपुरोली भी जाना। एक्चुअली हम राजस्थान में रहते हैं, राजस्थान में पूरा जो वेदर है वो गर्म रहता है, तो ठंडे प्रदेश की तरफ जा रहती है। 2 साल कोरोना के कारण कहीं जा नहीं पाए, तो इस बार अभी टूर बनाया, और 2 साल पहले हमने उधर मतलब 2 साल पहले का जो टूर था कैंसिल किया था, वो इस साल हमने यहाँ पर रानीखेत का और नैनीताल का बनाया है।